दोस्तों, आपने टीवी के पर्दे पर अभिनेत्रियों को काम करते हुए कई बार देखा होगा। कई बार इनके निभाए हुए रोल भी आपको बहुत पसंद आए होंगे। लेकिन आज हम आपको टीवी जगत की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली एक्ट्रेसेस हैं। और ये एक्ट्रेसेस सिंगल मदर के तौर पर ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं छोटे पर्दे की वैम्प के रूप में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली उर्वशी ढोलकिया के बारे में। उर्वशी ढोलकिया ने अपनी पर्सनल लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है। उर्वशी ने 16 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी और 17 साल में वो जुड़वा बेटों की माँ बन चुकी थी। शादी के 1.5 साल के अंदर इनका तलाक हो गया था और उसके बाद से ही अपने बेटों क्षितिज और सागर की परवरिश अकेले ही कर रही हैं। खुद एक टीनेजर होते हुए दो दो जिम्मेदारी उठाना कितना मुश्किल रहा होगा, ये शायद ही कोई समझ पाए। वो कहती हैं कि उनके बेटे उनका सपोर्ट सिस्टम है और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। अब अगर बात करें टीवी की मशहूर अभिनेत्री जूही परमार की, तो जूही ना सिर्फ छोटे पर्दे की एक बेहद टैलेंटेड और टॉप की एक्ट्रेस है, बल्कि वो एक बेहद स्ट्रॉन्ग सिंगल मॉम भी है जो अकेले ही अपनी बेटी समारा की परवरिश कर रही है। जूही ने साल 2009 में टीवी एक्टर सचिन श्रॉफ से शादी की थी। 2013 में इनके घर एक नन्ही परी का जन्म हुआ था। 2019 में आपसी मतभेद के चलते इन दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया और तभी से जूही अपनी बेटी की सिंगल मॉम के तौर पर परवरिश कर रही हैं। जूही नए जमाने की कूल मॉम है जो अपनी बेटी से कुछ भी नहीं छिपाती। उनका मानना है कि बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उनसे सच नहीं छिपाना चाहिए बल्कि उनकी समझ के हिसाब से उनकी भाषा में ही उन्हें समझाना चाहिए। टीवी की मशहूर अभिनेत्री श्वेता तिवारी, जो कसौटी जिंदगी की सीरियल से बहुत पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी हैं, वो भी एक सिंगल मॉम है। श्वेता तिवारी ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सफलता और शोहरत हासिल की है, मगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी पर्सनल लाइफ खुशहाल रही है। एक समय पर टीवी की फेवरेट बहू रह चुकी इस एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ ढेर सारे उतार चढ़ावों से भरी रही है। श्वेता ने अपनी लाइफ में दो अनसक्सेसफुल शादियां देखी हैं। एक्टर राजा चौधरी से उनकी एक बेटी है पलक और दूसरी शादी से उनका एक बेटा रेयांश है। श्वेता ने 19 साल की उम्र में ही राजा चौधरी से शादी कर ली थी और 20 साल की उम्र में पलक की माँ भी बन गई थी। सालों तक राजा से घरेलू हिंसा झेलने के बाद 2007 में उन्होंने तलाक ले लिया था। कई सालों तक अकेले ही पलक की परवरिश करने के बाद 2013 में उन्होंने एक्टर अभिनव कोहली से शादी की थी, मगर हाल ही में अभिनव के भी हिंसक रवैये के चलते उन्होंने उनसे अलग होने का फैसला लिया। अब वो अकेले ही अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही हैं। अब अगर बात करें दिलजीत कौर की, तो दिलजीत कौर को छोटे पर्दे की उन एक्ट्रेसेस में से गिना जाता है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं। दिलजीत ने साल 2009 में टीवी एक्टर शालीन भनोट से शादी की थी, जिससे उनका एक बेटा जेडन भी है। 2015 में दिलजीत ने घरेलू हिंसा के चलते शालीन से तलाक ले लिया था। अब दिलजीत अकेले ही अपने बेटे की परवरिश कर रही हैं। दिलजीत अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं और अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी और अपने बेटे की फोटोज शेयर करती रहती हैं। बिग बॉस सीजन 13 में एज अ कंटेस्टेंट नजर आ चुकी दिलजीत अक्सर घर में अपने बेटे को याद करते हुए नजर आती थीं। कई पॉपुलर टीवी शोज में काम कर चुकी चाहत खन्ना भी इस लिस्ट में शामिल हैं और वो भी एक सिंगल मॉम है। चाहत खन्ना ने साल 2013 में बॉयफ्रेंड फरहान मिर्जा से शादी की थी। शादी के 4 सालों के अंदर चाहत को 2 बेटियां भी हुई। लगातार मानसिक और शारीरिक शोषण झेलने के बाद चाहत ने साल 2018 में अपने पति से तलाक लेने का फैसला किया और अब वो अकेले ही अपनी दोनों बेटियों की परवरिश कर रही हैं। चाहत को शादी के बाद अपना फेमस टीवी करियर भी कुर्बान करना पड़ा था। अब अगर टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर वैम्प्स में गिने जाने वाली काम्या पंजाबी की बात करें, तो काम्या पंजाबी टीवी की उन पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह नेगेटिव किरदारों से बनाई है। काम्या ने साल 2003 में बंटी नेगी से शादी की थी, जिसके बाद साल 2009 में उन्होंने अपनी बेटी आरा को जन्म दिया। इसके कुछ सालों बाद ही 2013 में काम्या ने अपने पति से तलाक ले लिया। काम्या रियलिटी शो बिग बॉस में हिस्सा लेने से कुछ ही महीने पहले अपने पति से अलग हुई थी। तलाक के बाद बेटी की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी काम्या पर ही आ गई थी, जो उन्होंने बखूबी निभाई है।
काम्या आज तक अपनी बेटी का पालन पोषण खुद ही करती आ रही हैं और हाल ही में फरवरी के महीने में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड शलभ डांग से शादी की है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं। तो दोस्तों, आपको टीवी की दुनिया की इन सिंगल मॉम्स के बारे में जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।